हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट में अतिलघुत्री क्वेश्चंस की। आप लोगों के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों ने आपका जो मेन पेपर है, पहला आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन लेखन क्षमता का विकास, इसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इन दोनों सब्जेक्ट के हम लोगों ने बहुविकल्पी और अतिलघुत्री पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं अच्छे से दोस्तों। इसके अलावा हमने उसकी पीडीएफ, पूरी सीरीज की पीडीएफ आपको इन वीडियोस के नीचे आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने मैथ्स के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा लिए हैं, वहां से भी आपको पूरा टोटल आपको वहां से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है, डिस्क्राइब किया है, आप बिल्कुल उसको समझ सकते हैं दोस्तों। उसका रीजन है, हम लोगों ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मैथ्स में और इंग्लिश में ही थोड़ा कम मार्क्स पाते हैं, जिसकी वजह से बैक लग जाती है। आप लोग मैथ्स की वीडियो जरूर देखिए, हर एक क्वेश्चन को समझिए, कैसे उसको कैसे वह क्वेश्चन आया है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं, कौन सा मेथड यूज हुआ है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर ये सब चीजें आप लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो मुश्किल से एक दो नंबर की वजह से बैक लग जाता है वो नहीं लगेगा। और आप डेफिनेटली अगर 25 नंबर का है तो आप डेफिनेटली 22-23 के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। अगर पूरे क्वेश्चंस को आप, जितने भी क्वेश्चंस हम करवाते हैं उसको अच्छे से अगर आप समझेंगे, किस तरीके से हम उसको समझाते हैं, जिस तरीके से हम एक एक फॉर्मूले, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन में किस तरीके का मेथड यूज हुआ है, ये सब चीजें दोस्तों अगर आप लोग समझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आपका जो कॉलेज का ग्रुप हो, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, आप लोग जितने भी लोग फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि किसी को भी सीरीज को मार्केट से लेने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में इस सीरीज की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो, मोबाइल हर इंसान के पास है आज के टाइम में, तो कोई भी इसको देख सकता है, कहीं भी देख सकता है, कहीं भी देख कर पढ़ सकता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने पूरा करा दिया है और उसकी भी पीडीएफ आपको उस वीडियो के नीचे लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएगी दोस्तों। ये जो हम लोग करवाने जा रहे हैं पूरा अतिलघुत्री क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई चीज समझे रहेंगे तो डेफिनेटली वो एग्जाम तक आपको याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझते हुए चलना है सारी चीजों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। हम सभी जानते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जो हर दिन सुबह निकलता है, जिसको हम हर दिन देखते हैं, वो क्या है, सूर्य है। और सूर्य ही क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा ही क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जब बिजली और बल्ब नहीं थे तो सूर्य की ऊर्जा से ही हर चीज आपको मिलती थी, ठीक है। और अभी भी सूर्य की ऊर्जा से ही पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। पारितंत्र का कार्य बताइए। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल होता है, और पारिस्थितिक पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है और तालाब का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों पारिस्थितिक पिरामिड के जो खोजकर्ता है वो है चार्ल्स एल्टन, ठीक है। 1927 में इन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है दोस्तों। और अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि इसमें कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। वो पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड से तात्पर्य है, जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो उत्पादक का कार्य करते हैं, पेड़ पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, उसको जो जीव जंतु खाते हैं, जैसे मानव खाता है या जो बकरी है, गाय भैंस है, ये सब जो खाती हैं वो हो गए हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर जो इनको खाते हैं वो हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो है ना वो कंटिन्यू सीरीज चलती रहती है, तो इसी वजह से इसका जो सीरीज होता है वो सीधा होता है, इसका जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिरामिड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन, आलेखी प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अपघटनकर्ता का उदाहरण दीजिए। दोस्तों अपघटनकर्ता जो होते हैं ये होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को निगल कर या खाकर उसको क्या करते हैं, उपजाऊ पदार्थों में
कन्वर्ट कर देते हैं या उस मिट्टी को क्या कर देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। तो इनको हम कहते हैं अपघटन कर्ता। तो यहाँ पर देखिए जीवाणु को अपघटन कर्ता कहते हैं और कवक को भी अपघटन कर्ता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से तो है ही और यूपी टेट की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। दोस्तों जो मेंढक होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, क्योंकि ये क्या खाता है, ये छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं या जो छोटे छोटे जितने भी जीव होते हैं उनको ये खाकर अपना पोषण करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। फिर है उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। दोस्तों उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे मेंढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प। ये सब क्या है, अब खरगोश को देखिए, खरगोश क्या करता है, जो जो घास फूस उगे होते हैं या गाजर, ये सब जो जो भी चीजें उत्पादक हमारे उनको प्रोवाइड कराते हैं या हम सबको प्रोवाइड कराते हैं वही हम खाते हैं। तो यहाँ पर खरगोश के लिए वही चीज है कि घास फूस या जो भी चीजें हैं, चाहे वह गाजर हो, मूली हो, ये सब क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप दोस्तों आगे देखिए, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो दोस्तों जो उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी चीजें जमीन में उगती हैं वो सब क्या है, उत्पादक हैं। ये आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से इन्वायरमेंट वाला पूरा जो आपका पोर्शन है वो सब आपके यहाँ साइंस में कवर हो जा रहा है आपके यूपी टेट का। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, यहाँ से आपका यूपी टेट भी प्रिपेयर हो रहा है और आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर भी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्चतम उपभोक्ता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, परि और आवरण, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण। हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। जो भी हमारे आसपास है वो सब क्या है, वो सब मिलके हमारा पर्यावरण का निर्माण करता है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो किया था एजी टांसले ने, और ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 1935 में इन्होंने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, पारितंत्र के कितने घटक होते हैं। तो दोस्तों जो पारितंत्र है इसके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, जैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। तो दोस्तों पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव जीव चीजें आती हैं, जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, तो सजीव जो जैविक घटक है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। नेक्स्ट है, अजैविक घटक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल द्वारा इसको बताइए। तो अजैविक जो घटक होते हैं उनके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आती हैं। ठीक है, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, अजैविक घटक है, किसका, पारितंत्र का। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पारितंत्र किसे कहते हैं। दोस्तों पारितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जो जैविक घटक है उसको बांटा गया है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन कर्ता में। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्पादक किसे कहते हैं। तो दोस्तों उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला, हरा, शैवाल आदि, ये सब क्या है, उत्पादक है। दोस्तों अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है। तो दोस्तों जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो अपना जो भोजन होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव जंतु आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली। बिल्ली किसको खाती है, चूहे को खाती है। ठीक है, भेड़िया भी जीव जंतुओं को ही खाता है जो उससे थोड़ा कमजोर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो पूरी तरीके से मांसाहारी होते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं, वह जीव जंतुओं को खाते हैं जो उनसे छोटे होते हैं। अब दोस्तों आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है,
तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? एग्जाम्पल द्वारा इसको बताइए। तो दोस्तों जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो शेर है, सर्प है, आदि है, शेर भी, शेर कहीं ना कहीं बड़े जीव जंतु को जैसे हिरण को खा लेता है, ठीक है। तो ये सब जो जीव जंतु होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो दोस्तों रुधिर स्कंदन में सहायता करते हैं रुधिर प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, हीमोग्लोबिन क्या है, इसके कार्य बताइए। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या है? ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। मानव, दूसरा पॉइंट हो गया आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, पूरे जितने शरीर में जो जहां पर भी खून है वहां पर हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन का संवहन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। तो दोस्तों धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ पर देखिए धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है। हृदय से कहाँ पहुंचाती है? यानी कि हार्ट से लेती है रक्त को और पूरे शरीर में उसको फ्लो करवा देती है, जबकि शिरा क्या करती है? शिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है, ठीक है। शिरा का क्या काम होता है? रक्त को अंगों से हृदय में लाना। अब है धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, यहाँ पर ये क्या है, एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर होता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है, ठीक है। तो ये हो गया धमनी और शिरा में कुछ प्रमुख अंतर। अब दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? तो रुधिर वर्ग के खोजकर्ता है कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो दोस्तों विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो जो अनिवार्य प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 27, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी आप आगे पढ़ चुके हैं। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हिमैटिन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का कितना होता है? 20 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो काफी लंबा होता है। अब रुधिर प्लेटलेट्स कितनी होती का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, आरबीसी लाल रुधिराणु के कार्य बताइए। तो दोस्तों शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर के प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना, ये सब किसके कार्य हैं? आरबीसी के, लाल रुधिराणु के, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका कौन आएगा? आपके सारे हरे पेड़ पौधे आएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में आपके सारे शाकाहारी जीव जंतु आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आपके मांसाहारी जीव जंतु आएंगे, और तृतीयक उपभोक्ता में दोस्तों सर्वाहारी आएंगे, ठीक है। और पेड़ पौधे क्या होते हैं? वो तो होते हैं उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, अपघटनकर्ता वे जीव, अपघटनकर्ता अपघटक के से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अपघटनकर्ता या अपघटक से आप क्या समझते हैं? तो अपघटनकर्ता वे जीव जंतु हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर अपघटन करते हैं उनका,
जैसे जटिल पदार्थ है उनको अपघटनकर्ता ने क्या किया, सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, जैसे जीवाणु और कवक। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो दोस्तों जो अपघटनकर्ता होते हैं वे सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक और हरे पेड़ पौधों से बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव जंतु आते हैं, जैसे खरगोश, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा आदि। अब तृतीयक उपभोक्ता का एग्जाम्पल दीजिए। तृतीयक उपभोक्ता में दोस्तों आपका सांप आ जाएगा और शेर आ जाएगा, ये सब क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। अब क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च उपभोक्ता क्या कहलाते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो सारी चीजों को खा सकते हैं, जैसे बाज और मनुष्य। मनुष्य हर चीज को खाता है, कोई चीज नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता में या सर्वाहारी में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। दोस्तों पारितंत्र में जो ऊर्जा के प्रवाह की दिशा होती है वो एक दिशात्मक होती है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों 21 फरवरी 2016 से जो पॉलिथीन है उसको क्या कर दिया गया है, यूपी में बैन कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, रुधिर पारिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता है विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 40 है, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है। दोस्तों तो लाल रुधिराणु जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रुधिर परिवहन में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों मानव रक्त में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा और रुधिराणु। ठीक है, और रुधिराणु जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाल और सफेद। अब क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं। रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होते हैं, यह अजीवित तरल पदार्थ होता है, इसमें लगभग 90% जल होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो जल होता है वो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो होता है उसको बहुत ही अच्छा बना के रखता है। जितना अधिक से अधिक आप पानी पियेंगे उतना ही अधिक आप स्वस्थ रहेंगे और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं। तो रुधिराणु जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, रुधिर का कार्य बताइए। जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसका कौन कौन से कार्य होते हैं। तो रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पचे हुए भोजन पदार्थों उत्सर्जी पदार्थ का हार्मोन में संवहन करना, ताप, शरीर का जो ताप होता है उसको क्या करना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और शरीर की सबसे बड़ी चीज क्या है, शरीर को बीमारियों से दूर रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं। रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है। दोस्तों तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। तो जो ब्लड डोनेट होता है वो कहाँ जाता है, वो ब्लड बैंक में जाता है। ठीक है, अगर आपने ब्लड डोनेट कर दिया है और उसी ग्रुप का, जैसे मान लीजिए अगर आपका ओ ग्रुप है तो आप सभी लोगों को ब्लड दे सकते हैं, सभी जितने भी ग्रुप हैं। तो उसमें अगर आपने किसी को अपना रक्त दिया है फिर आपका जो रक्त है वो जाता है ब्लड बैंक में, तो वहां पर अगर किसी मरीज को उसकी जरूरत है तो वहां से उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, और देखिए समय समय पर सरकार जो है वो रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप भी लगाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रुधिर क्या है। दोस्तों रुधिर एक लाल तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। इसका पीएच जो होता है वो 7.4 होता है, अतः कहा जा सकता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है, क्योंकि इसका जो पीएच है वो क्या है, 7 से ऊपर है, तो इसीलिए क्या है, क्षारीय है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है, यदि पिता का रक्त आर एच प्लस हो तथा माता का
आरएच माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु को जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो धातुओं का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी। ठीक है, क्योंकि यहीं से हम क्या सारे धातुएं निकालते हैं, चाहे वो सोना हो चांदी हो। ठीक है, कोई भी धातु सब कहाँ मिलती है? पृथ्वी के भूपर्पटी पर। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, खनिज किसे कहते हैं? दोस्तों भूपर्पटी के में प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। अब श्वेत रुधिराणु के कार्य बताइए, WBC के क्या कार्य है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, बीमारियों से लड़ने की क्या करना? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और रोगाणुओं और जीवाणुओं का क्या करना? भक्षण करना। ठीक है, जिससे हम क्या स्वस्थ रह सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया अगर पूछेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एनीमिया को ही क्या कहते हैं? रक्ताल्पता कहते हैं। ठीक है, रक्त अल्पता। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। दोस्तों अब रुधिर प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों रुधिर वर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। और जो सर्वदाता होता है वो कौन होता है? ओ होता है, और सर्वग्राही ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं और किसको सर्वग्राही कहते हैं? तो दोस्तों ये भी आपको बताया मैंने। अब देखिए यहाँ पर सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए। एंटीजन जो होते हैं वो लाल रुधिर कणिका में होता है, और जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओ वर्ग किसी भी वर्ग के व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 है, रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी लोगों का रक्त क्या ग्रहण कर सकता है, चाहे वो ए का हो बी का हो या ओ का हो। किसी भी रुधिर वर्ग का प्राणी हो उसका ये लोग क्या कर सकते हैं? रुधिर ग्रहण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, रुधिर का पीएच कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4। अब क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। तो उत्कृष्ट जो धातुएं हैं वो मुख्य रूप से हैं गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी। अब क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों, धातुओं में सबसे आघात वर्ध होता है सोना और चांदी। ठीक है, इन्हीं से क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन कौन धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक है? दोस्तों जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे अधिक विद्युत धारा का जो सबसे अच्छा प्रभाव होता है वो चांदी में होता है। लेकिन चांदी क्या होती है? बहुत महंगी होती है, इसीलिए हमेशा इसका यूज नहीं कर सकते परमानेंट। तो क्या हम लोगों के घरों में कभी मैक्सिमम तांबे के जो तार होते हैं वो यूज किए जाते हैं, कॉपर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 है, मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ की उंगलियों पर लगी होती है उसका नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वोटिंग होती है तो आपकी उंगली पर एक निशान लगाया जाता है, वो किसका बना होता है? जो घोल होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का घोल। क्वेश्चन नंबर 65 है, धातु किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसे तत्व तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है? धातु है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो सबसे हल्का जो तत्व है वो है लिथियम। ठीक है, और सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए तो वो है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सोडियम को मिट्टी के तेल में से बाहर निकालेंगे तो वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और जिससे वह जलने लगेगा। ठीक है, इसीलिए उसको किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे
अधिक होती है, ठीक है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, तो वो है फ्लोरीन। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए। दोस्तों इनका जो नियम है वो है, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होता है उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन के अनुरूप होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 71 है, अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क वे खनिज पदार्थ है जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 72 है, धातु कर्म किसे कहते हैं, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है, तो दोस्तों किससे होता है, पिच ब्लेंड, किससे होता है, पिच ब्लेंड से होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, तांबा के दो अयस्कों के नाम बताइए। तांबे के जो प्रमुख दो अयस्क हैं वो है क्यूपराइट और कॉपर पायराइट। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एल्यूप्राइट के दो अयस्कों के नाम बताइए। इसमें आंसर है, एल्यूप्राइट के दो अयस्क हैं क्रायोलाइट और बॉक्साइट। अब क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, कैल्शियम के तीन अयस्कों के नाम बताइए। दोस्तों कैल्शियम के जो 30 अयस्क हैं वो है एस्बेस्टस, डोलोमाइट और जिप्सम। अब क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, हार्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो दोस्तों हार्न सिल्वर कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को। लिथार्ज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो लिथार्ज होता है वो होता है लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। सबसे भारी धातु का नाम बताइए, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम पीटी, इसका जो है वो क्या है, संकेत है। दोस्तों आप लोग ऐसे ही वीडियो को पूरा देखते रहा करिए, और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, उनमें प्लीज शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का इससे एग्जाम में फायदा होगा और आप सभी लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों इस सीरीज को पढ़ाने का मात्र एक उद्देश्य यही है हम लोगों का कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग तीन तीन सेमेस्टर के एग्जाम दे के आए हैं, आप सभी लोगों को एक्सपीरियंस है कि इस सीरीज से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और काफी हद तक कभी कभी 60-70% से ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी सीरीज से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, इससे पीछे आपने बहुत अच्छे से बुक्स को नहीं पढ़ पाए हैं आप किसी भी कारणवश, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करती है। तो दोस्तों अगर आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने कॉलेज के ग्रुप में कहीं भी शेयर करते हैं इस वीडियो को, तो कहीं ना कहीं उन सबका भला होगा और उन सबको एग्जाम में इससे लाभ तो होगा ही, और कहीं ना कहीं वो अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग जरूर जितना हो सके इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर किया करिए। और दूसरी चीज दोस्तों, हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उन सब के नीचे आपको पूरी कजन सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको इसको मार्केट से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसके अलावा हम यूपी टेट और सीटेट की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसके भी नोट्स, जितने भी जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो दोस्तों उसकी भी पीडीएफ आपको उसी वीडियो के नीचे लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, सुचालक किसे कहते हैं। सुचालक का मतलब होता है दोस्तों ऐसे ऐसे पदार्थ जिनमें जो है वो विद्युत का जो प्रवाह होता है वो आसानी से होता है, ठीक है, जिसमें करंट आसानी से उतर सकता है, तो वो होते हैं सुचालक, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। और सबसे अच्छा जो चालक है वो क्या है, चांदी, और दूसरे स्थान पर तांबा। अब क्वेश्चन नंबर 83 है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो होता है 0। 84 है, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक चुंबक से क्या समझते हैं। दोस्तों प्राकृतिक चुंबक रासायनिक चुंबक से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, चुंबकत्व क्या है। चुंबकत्व का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे ही क्या कहते हैं, हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं, और चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 86 है, चुंबक के गुण बताइए।
दोस्तों जो चुंबक होता है वो चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि किनारों पर जो होता है वो चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 87 है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? दोस्तों चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब ओम अमीटर तथा वोल्ट में क्या संबंध होता है? तो वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम, यानी कि वी बराबर आई आर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 है, आवेश विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। तो विभवांतर वी वी इक्वल टू कार्य बटे आवेश, यानी कि डब्ल्यू अपॉन क्यू। आप क्वेश्चन नंबर 90 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी उसमें 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं, और जो आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों उसमें है 7 आवर्त तथा वर्ग 9। तो आधुनिक आवर्त सारणी उसको आप जरूर याद रखिएगा कितने इसमें आवर्त है और कितने वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, मेंडलीफ के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। तो मेंडलीफ का जो आवर्त है उसके जो प्रमुख 3 दोष है वो है, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। समस्थानिकों के लिए कोई जगह ही नहीं है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर, HG, AG और TI, ठीक है? तो ये सब जो है वो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? ठीक है, किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं? उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो या आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 93 है, स्थिर विद्युत आवेश क्या है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे कहते हैं स्थिर विद्युत आवेश, ठीक है? और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों आवेश जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 95 है, आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जैसे प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण होगा, माइनस और माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब विपरीत आवेश के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है, जैसे प्लस और माइनस। अब चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये समांतर बल रेखाएं होती हैं और ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? साउथ की तरफ जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर 2016 फोर्थ सेमेस्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव जंतु कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल कौन होगा? मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? दोस्तों जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 100 है, एड्स का पूरा नाम बताइए। ये देखिए ये भी पूछा हुआ है 2016, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एड्स का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 101, सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त समूह का नाम, ये भी अभी आपको बताया मैंने। ओ जो है वो क्या है? सर्वदाता है और सर्वग्राही ए बी है। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, ये भी अभी आपको मैंने बताया कि वे धातु जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है? या किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण होता है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो विषाणु के कारण होने वाला सिल्वर का एक गंभीर संक्रामक रोग है। इसे क्या करता है? टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, ठीक है?
यह लीवर को एक गंभीर संक्रामक रोग होता है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। देखिए ये भी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला जब सीधे ना होकर जटिल हो जाती है तथा एक प्रकार के जैव कई प्रकार का भोजन ग्रहण भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक खाद्य जाल बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, विद्युत के सुचालक और कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सुचालक पदार्थ कौन है? सोना और एल्यूमिनियम, और कुचालक है रबड़ और प्लास्टिक, जिनमें जो क्या नाम है विद्युत है वो क्या है दोस्तों? प्रवाहित नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 106 है, धातु गलवानीकरण प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे गलवोनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गलवोनीकरण किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 107 है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रत्यक्षी को भी लिखिए। अब यहाँ पर देखिए चार प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। प्रतिजन कौन है? ए और बी दोनों, और प्रत्यक्षी ए बी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रा क्या है? तो इसका आंसर है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो है वो क्या है? एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? दोस्तों जो खनिज होते हैं वो धातुओं के ठोस यौगिक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, CaCO3। अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिसमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम। अब क्वेश्चन नंबर 110 है दोस्तों, पृथ्वी से हरे पौधे समाप्त हो गए हैं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानव जीवन एवं जंतु जगत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम बिल्कुल जिंदा ही नहीं रह सकते। तो दोस्तों यहाँ आज आप लोगों ने पूरा बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूरे आपने कंप्लीट कर लिए साइंस सब्जेक्ट के। दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको पूरी लिंक मिल जाएगी आपका पूरे राजन सीरीज की, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बस उस लिंक पे क्लिक करना है और पूरा आपका पीडीएफ इसका डाउनलोड हो जाएगा, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का। दोस्तों अगर आप में से अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में आप इसको जरूर शेयर किया करिए, ताकि इससे अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके और आप सभी लोग एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों अगर अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमको बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यूपी टेट और सीटेट की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको। यूपी टेट और सीटेट की जितने भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, चाहे वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हों, चाहे वह सॉल्व पेपर हो, चाहे वह आपके जितने भी अलग अलग टॉपिक पर हमने वीडियोस बनाए हैं, उन सब के पीडीएफ आपको उसी वीडियो के नीचे लिंक के माध्यम से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों आप जितनी भी वीडियोस हमारी देखेंगे उन सब के नीचे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और दोस्तों जिसको आप आसानी से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।